गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और दिया मैं एक्चुअली जलाने जा रही हूँ, पर इतना पटाखा, इतना आवाज़ हो रहा है ना, तो झिनुक एक सेकंड भी नहीं रुक पा रही है। बेचारी भाग रही है और चिल्ला रही है, तो कुछ और करना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं सोचा कि एकदम कुछ नहीं करूं, तो आप लोगों को एक बार विश कर दूं हैप्पी दिवाली, बहुत खुश रहिए, क्योंकि आज हमारा दिवाली भी है और काली पूजा भी है। पर कुछ लोग कल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हमने, क्योंकि आज काली पूजा है, दिवाली भी है, मैं सोचा आप सबको एक बार विश कर देती हूं। मैं आज कंप्लीट कैसे तैयार हुई एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ। साड़ी तो डेफिनेटली न्यू साड़ी है, पर जो ज्वेलरी है ना, वो सब साड़ी के साथ नहीं मैच होता है, पर ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो नीचे जाने के पहले मैं सोचा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो जाए, पर ये एक इंसान जो मेरे घर में है, उनके साथ फ़ोटो लेना इतना शर्माते हैं कि बहुत मुश्किल होता है। अब पता नहीं कितने सालों बाद फिर ऐसे एक एक फ़ोटो होता है हमारा, तो बताइए कैसे लगा आप लोगों को। देखिए हमारे बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिखा दूँ, देखिए मेरे साथ दिवाली में कौन है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। पचाका 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 ना, आल्सो पचाका। ओहो ओहो ओहो, कम काल के देखा होगा। इतना पटाखा सुनाई दे रहा होगा ना उन लोगों को। नहीं, हमने माइक पहना है तो शायद नहीं सुनेंगे। माइक यूज नहीं करेंगे तो आप लोग हमारे बात भी नहीं सुन पाओगे। हो सकता है माइक की वजह से शायद आपको पटाखा सुनाई दे, हो सकता है सुनाई दे, इतना जोर से हो रहा है। डोंट नो, आजकल कलकत्ता में मैंने सुना है इतना नहीं होता है, पर यहाँ तो नॉन स्टॉप। और पहले रीनी झिनुक दोनों को संभालना इतना मुश्किल होता था ना, रीनी को तो इतना ज्यादा वो डरती थी। अभी तो रीनी है नहीं, पर झिनुक उससे कम डरती है, बट स्टिल बहुत डरती है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। एंड सेकेंडली, मुझे जो सबसे खराब लगता है ना, जो रास्ते के जो डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स को हाल, मतलब ऐसे होता है ना, बहुत दुख होता है। पता नहीं क्यों इंसान ऐसे करता है, किसी के बारे में सोचता ही नहीं। हम क्यों ऐसे है इंसान, मुझे नहीं मालूम। थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, देखिए ये हमारे घर का लाइट। थोड़ा गर्मी ज्यादा है। गर्मी तो है ही, तुमको ज्यादा लग रहा है बिकॉज तुम बैंगलोर से आई हो। अच्छा, तुम कितने सालों बाद दिवाली में बॉम्बे में हो? चार साल चार हो गया ना? हाँ, नहीं तीन, दिस इज द फोर्थ ईयर। तीन, मतलब तीन साल तुम बॉम्बे में नहीं रहे। ओके, बैंगलोर दो साल, पुणे एक साल, फिर इस साल इधर। ओके ओके, एनीवे जल्दी चलो, पता नहीं झिनुक क्या कर रही है, चलो। अभी ना बिल्डिंग के बैक साइड में आई हूँ। एक्चुअली ये जो लाइटिंग होता है ना, थोड़ा बहुत तो सभी लोग लगाते हैं और इतना अच्छा लगता है, पर ज़्यादा देर तो नहीं रह सकते। मैं सोचा चलो एक चक्कर जस्ट घूम के देख लेते हैं, बहुत सुंदर लगता है ना? Thank you.
अच्छा चलिए, अभी ना एक्चुअली मन तो हो रहा था कि चलो और बातें करूँ और थोड़ा सा घूम के आप लोगों को दिखाओ, लेकिन झीनू के लिए ना अभी और नहीं रुक सकते हम लोग, बिकॉज वो खाने में भी बहुत प्रॉब्लम करती है और बहुत डर रही है ना, तो चलिए हम भागते हैं ऊपर की तरफ, चलो घर चले। अच्छा है? हाँ अच्छा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके ओके, देखिए आज इतना है क्योंकि इससे ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते, अभी तो भागना है क्योंकि झीनू का टेक केयर करना बहुत जरूरी है, इतना आवाज हो रहा है ना, तो आज इतना ही, आप सब लोग खुश रहिए, बहुत जल्द फिर मिलूंगी, चलो आज इतना ही। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, आप सब लोग बहुत खुश रहिए, बहुत जल्द फिर मिलूंगी, बाय। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हैप्पी दिवाली बोल के खुशियां बांटिए हमारे साथ।